थोड़ी बताओगे जिंदगी, कभी मत बताना हमको, हम जानते हैं तुम बड़े वाले कमीने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगन्सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्जानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेऽधिनाथं। कौन से अंकल? अरे तुम चूतिया बस बनाओ, कसम खुदा कर रहा हूं, दिमाग की मत। पाचा और लाचा और पाचा पीछे करो, वो इलाका है मेरे लिए जिसे मैं कह सकता हूँ कि जब केजी क्लास में दाखिला लिया था तो यहाँ पे क्लास ज्वाइन की थी। आज याद आते हैं वो सारे आयोजन जिनमें मैं घुसपैठ करने की कोशिश करता था कि कहीं 5 मिनट मुझे भी मिल जाए। तो ये उन सीढ़ियों में है जिन्होंने कुछ और सीढ़ियाँ मुझे चढ़ा दी, तो मैं आप सभी के स्नेह का आभार मानता हूँ। सबसे पहले इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर है, मेरे मित्र दिनेश मुरार का जो कॉलेज से मेरे क्लास फेलो है, हम दोनों साथ साथ फेल होते रहे क्लास फेलो आप कह सकते हैं, बहुत अच्छे आदरणीय अतिथिगण यहाँ पर विराजमान है जिनका आशीर्वाद अक्सर गिरता रहता है। आज का आयोजन जैसा कि आप सब जानते हैं हम दो भागों में करने जा रहे हैं। पहले भाग में कुछ विशिष्ट और विशेष कविताएं अपने कवियों से आपको सुनाने का प्रयास करेंगे और दूसरे दौर में जो बाकी की फॉर्म की रस्में हैं वो कवरिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे अनुरोध पर मेरे वो गुरु जिन्होंने एक किताब मुझे दी थी सेकेंड ईयर में और उससे मुझे लगा कि वाकई में शब्दों में बहुत ताकत होती है और मैंने लिखने की कोशिश की। घनश्याम अग्रवाल जी ककोला से बता रहे हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हर वर्ष मुझे यहाँ पर बुलवाया जाता है, आप सभी का प्यार स्नेह मुझे मिलता है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ख़ास तौर से इस मंच पर आज मुझे कविता के साथ सरस्वती वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, दुआएँ चाहती हूँ, सुनिए। क्योंकि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर को हम कई नामों से जानते हैं और लेकिन ईश्वर हमारे मन में बसता है क्योंकि श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर को पाने के लिए। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तेरी ममता की आहोश में, तेरी ममता की आहोश में जिंदगी ले रही है मजा, तेरी ममता की आहोश में जिंदगी ले रही है मजा। तू मेरे कंठ में सुर सजा, मैं करूँ मां तेरी ममता की आगोश में पद्मिनी कामिनी कोकिला, पद्मिनी कामिनी कोकिला तू ही सुरसा धिनी मेरी माँ, पद्मिनी तू ही सुरसा धिनी मेरी माँ। तेरे सुर की हर एक तान से सार जग में
उजाला हुआ ममता किया होश में तेरा जब से करम हो गया तेरा जब से करम हो गया मैं भी राना महकने लगी तेरा जब से करम हो गया मैं भी राना महकने लगी मेरी कविता का हर छंद अब कर रहा है तेरी वंदना तेरी ममता किया होश में बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद ख्वाबों में आ रहे हो तुम रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो तुम है मोहब्बत तो पास आ जाओ है मोहब्बत तो पास आ जाओ दूर से सता रहे हो तुम क्यों सता रहे हो तुम और पढ़ती हूँ सुनिएगा इसी तरह से चार पंक्तियाँ और छुपा रहे हो सनम कुछ न कुछ तो है हमसे छुपा रहे हो सनम कुछ न कुछ तो है क्यों डगमगा रहे हैं कदम कुछ न कुछ तो है मैं क्या मेरी बिसात मेरी हैसियत ही क्या मैं क्या मेरी बिसात मेरी हैसियत ही क्या मुझ पर तुम्हारा लुत्फ करम कुछ न कुछ तो है इल्फत ने मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे उल्फत ने मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे मैं प्यार तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे मैं प्यार तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया तू प्यार कर तू प्यार फकत प्यार कर मुझे तू प्यार कर तू प्यार फकत प्यार कर मुझे हाँ मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना स्थान करें क्योंकि आ रहे हैं मैं स्वागत करती हूँ लेकिन जल्दी से अपनी जगहों को आप चुन लें ताकि हम लोगों को मतलब कविता पढ़ने का जो है मन होता है और वो मन जो है फिर वो भटक ना जाए इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ आप सभी से सभी लोग व्यवस्थित हो गए ये तार कर मुझे उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे मैं प्यार तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे और मैंने अपने उम्र के लिहाज से शेर कहा है आप सभी की दुआएं आशीर्वाद चाहती हूँ पढ़ती हूँ सुनिएगा के अच्छे बुरे का फर्क भी समझूं मैं ऐ खुदा अच्छे बुरे का फर्क भी समझूं मैं खुदा अच्छे बुरे का फर्क भी समझूं मैं खुदा इतना शऊर दे के समझदार कर मुझे बहुत अच्छा बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद, मंच से मुझे प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना शऊर दे के अच्छे बुरे का फर्क भी समझूं मैं खुदा, इतना शऊर दे के समझदार कर मुझे। और शेर बतौर खास आप सभी की मोहब्बतों के हवाले, बहुत अच्छा सुनते हैं और सुन रहे हैं, पढ़ते हो सुनिएगा। के ख्वाबों में पियाते हैं ऐ बाद सबा सुन, ख्वाबों में पियाते, बाद सबा कहते हैं सुबह की हवा को, पढ़ती हूँ सुनिएगा। के ख्वाबों में पियाते हैं ऐ बाद सबा सुन, ख्वाबों में पियाते हैं बाद सबा सुन, ना तेज चल ना नींद से बेदार कर मुझे, ना तेज चल ना नींद से बेदार कर मुझे। मैं प्यार तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे। और शेर मैंने कहा है, देखिए आजकल बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, इतनी जल्दी प्यार। लो करार से मैं तेरे तंग आ चुकी, लो करार से मैं तेरे तंग आ चुकी, लो करार से मैं तेरे तंग आ चुकी, वादा निभा और न बेजार कर मुझे, वादा निभा और न बेजार कर मुझे। उल्फत ने मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे। मैं प्यार तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे। और इस गजल के आखिरी दो शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा, पढ़ती हूँ के अच्छे। देखिए ये दो शेर जो हैं आखिरी जो हैं वो शेर खुद बता देंगे कि वो क्या है, क्या बात के कब अच्छे। देखिए मैं भूल गई हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ फिर पहले मिसरे से दुआ करती हूँ कि मुझे याद आ जाए, क्योंकि बिल्कुल नया है। याद करो, तुम्हारे लिए तो आवागमन भी रोक दिया हमने। बिल्कुल मैं आभारी हूँ सर आपकी, लेकिन बिल्कुल नया प्रयोग है और नया है, गजल है, कहीं नहीं पढ़ी है, दो तीन जगह का पढ़ी है इसलिए बिल्कुल नहीं है, पढ़ती हूँ सुनेगा। कि मैं प्यार तेरा हूँ तू सदा प्यार कर मुझे, उल्फत में मेरी जान गिरफ्तार कर मुझे। मैं तो खड़ी हूँ कब से तेरे इंतजार में, मैं तो खड़ी हूँ कब से तेरे इंतजार में, आजाद इंतजार से दिलदार कर मुझे, आजाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ पर दिलदार कर मुझे। और मक्ता गजल के आखिरी शेर को कहते हैं, पढ़ती हूँ सुनिएगा। के राना से कह रही है गजल फख्र ओ नाज से, राना से कह रही है गजल फख्र ओ नाज से, राना से कह रही है गजल फख्र ओ नाज से, रानाइयां सजा के तू शहकार कर। बोलता राष्ट्रीय देवी की मृत्यु से एक ही शिक्षा मिलती है, खुलकर जियो और नहाने के बाद ही पियो। आप देखिए न्यूज चैनल, देखिए न्यूज चैनल से ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आजकल एक नई नौटंकी शुरू हो गई है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहस करते हैं, आपने देखा होगा चार लोगों को बिठा लेते हैं ना, बहस करते हैं। और इन बहस को आप देखिए, संबित पात्रा की उंगली हमेशा यू ही रहती है, जैसे सुदर्शन चक्र थाम रखा हो और मौका मिलते ही तीनों विरोधियों को मार देगा। दूसरा मुट्ठी ताने बैठा रहता है, जैसा मौका मिलते ही मुंह से नहीं मुक्के से जवाब देगा। और तीसरा तो लगता है जैसे बेचारा बैठने ही आता है, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलने लगता है उसे चुप कराकर ब्रेक ले लिया जाता है। और इसके साथ ही इन्हें नई लत लग गई है, आजकल कोई भी खबर हो SMS कॉल करवाते हैं, क्या हमें पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, हाँ या ना, इस नंबर पर मैसेज कीजिए।
समझ में नहीं आता न्यूज चल रही है, फरमाइशी गानों का दौर चल रहा है। बताइए अब ये चैनल इस तरह तय करेंगे कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए या नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर इंडियन भारतीय सेना के जवान ये नौटंकी देखते होंगे तो कैसे रिएक्ट करते होंगे, वो तुरंत चीफ कमांडर को फोन करके पूछते होंगे सर अगर यस आ जाए तो क्या करना है। तो मित्रों ये हमारे श्याम ज्वालामुखी आपकी तालियां होनी चाहिए एक बार फिर श्याम जी के सम्मान में। और आइए आगे बढ़ते हैं इस काम संध्या, थोड़ा सा गम भंग भी हम करते चलें ताकि एक रोचकता बनी रहे। भैया बोले भिजवा देंगे मगर कविता देखिए साहब, 6 लाइन की कविता है। ये अखबार में समाचार आया, अखबार में समाचार आया कि अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आप सबने पढ़ा होगा साहब, आया था अखबार में समाचार आया कि अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो दो नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। भाई जोरदार यार, जय हो। लो भाई जरा अच्छे से, अखबार में समाचार है अपराध में डूबे हुए नेता आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो दो नेता मिलकर आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरा नेता बोला, तू क्यों घबराता है। अगली लाइन का मजा लेना, बोले तू क्यों घबराता है, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। भाई जोरदार यार, हे भगवान, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे थोड़ी। और तीसरी लाइन पे आशीर्वाद देना था, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे थोड़ी, चुनाव हार कर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे अरे बेवकूफ, अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी ही चुनाव जीतते आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात, बढ़िया रही। केवल शरीफ आदमी चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। तो भाई साहब ऐसी ऐसी कविताएं और व्यंग लिख करके हमने नेताओं को थोड़ा बहुत सुधारा। ये योगदान है भाई जी, RTI फलाना जानकारी ले लो, इन्फॉर्मेशन ले लो, कहां से आई, हमने ऐसे व्यंग लिखे जब आई। वाह वाह वाह, ये योजनाएं हमने शुरू करवाई साहब, क्या बात है भाई। एक बार तो इस सपूत के लिए ताली बज दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो बात करता हूँ। अब देखना भाई साहब आगे की बात, अब जैसे तैसे नेता सुधरे, अब नेता सुधरे तो साधु बिगड़ गए। भाई जोरदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मानवी, क्या बात है। आ, गलत बोल रहा क्या मैं, नेता सुधरे तो साधु बिगड़ गए, अब उन पे लिखो। हमारा यही काम, अब उन पे लिखो। तो आसाराम पर जब मुसीबत आई भाई, आसाराम पर जब मुसीबत आई तो उसने जेठ मलानी को फोन लगाया। अब जैसा आदमी वैसे कोई फोन लगाता है। आसाराम पर मुसीबत आई, उसने जेठ मलानी को फोन लगाया, बोला यार मुसीबत में फंस गया हूँ, बचा ले। जेठ मलानी बोले घबरा मत, जेल नहीं जाने दूंगा। आसाराम बोले मैं जेल में से ही बोल रहा हूँ। आसाराम बोले मैं जेल में से ही बोल रहा हूँ। तो बड़ी कोशिश की गई, जमानत नहीं मिली, तो आसाराम ने सारे वकीलों को भगा दिया। बोले मैं खुद ट्राई करूंगा। और आसाराम बापू ने दोनों हाथ जोड़कर जज साहब से कहा कि हुजूर थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो, हुजूर
थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो, जमानत भले ही मत दो, कम से कम महिला जेल में शिफ्ट करा दो। बहुत अच्छे, जमानत भले ही मत दो, कम से कम महिला जेल में शिफ्ट करा दो। अच्छा जज साहब उसके भी बाप, और जज साहब ने जो जवाब दिया उसमें जरा तबीयत से, बोला जमानत भले ही मत दो, कम से कम महिला जेल में शिफ्ट करा दो। जज साहब बोले आसाराम जी आपकी तबीयत इतनी क्यों फड़फड़ा रही है, थोड़ा इंतजार करो, राधे माँ इसी जेल में आ रही है। वाह वाह वाह, जय हो, क्या बात है भाई। आपने बहुत से भक्त देखे होंगे, असली भक्त मैं लाया है। सामान लगा उसको? नहीं नहीं, फंस गए, लूटने नहीं देंगे, बोलो। अरे आपके जैसे लुटाइए बैठे हो तो और वहाँ आठ आठ साल का नोटबंदी हुई है जी, और नोटबंदी हुई रात को। अब मेरा प्रोग्राम था 8 तारीख को बम्बई में, ये मैं इटारसी में रहता हूँ, कुछ लोग उस तरफ जाते हैं, जानते हैं यहाँ से 12 घंटे का रास्ता। मैंने 7 तारीख की शाम को बढ़िया अटैची वटैची लगाई, वाइफ से कहा कुछ पैसे दे दो, बोले बोले पैसे दे दी। आप कितने ही पैसे दे दो साहब, जब आप मांगो बोले पैसा है ही नहीं। अरे मैंने कहा थोड़े बहुत दे दो, बोले बिल्कुल नहीं है। अब मैं दोस्तों से पैसे लेके आया, यहाँ प्रोग्राम कर रहा था अंधेरी में, अब मैं रात को यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूं और वहां टीवी पे भाई और बहनों हो गया। कौन अच्छे, 8 तारीख की रात में टेलीविजन पे भाई और बहनों हो गया। अब मैं प्रोग्राम करके 9 तारीख को घर पे पहुंचा तो बीबी ऐसे बैठी। और मैंने कहा क्या हो गया? अरे 1 लाख रुपए लगे थे 1-1 हजार के। अभी का क्या होगा? और मैंने कहा देख, वो बताया गया है कि सारा धन जो है 1 लाख जमा करो, 50 हजार ले जाओ, अपन 50 हजार ले आएंगे। अब उसी दिन से मैं सोच रहा हूं मोदी जी किसी दिन बोल दे मित्रों, ये कल तक जो आपकी बीवी थी वो अब नहीं रहेगी, और अपनी 50 साल की लाओ। कुछ लोग तो ऐसे कुछ हो रहे हैं जैसे मोदी जी बोलने वाले हैं। तो मामला यूं निकल करके आता था, मगर मैंने वो क्या कहती जी आदरणीय सबको प्रणाम करके मैंने पत्नी से जो सवाल किया, आप उसका आनंद लेना और मुझे बताना क्या मेरा सवाल गलत है। मैंने पत्नी से कहा कि परसों घर में बिल्कुल पैसा नहीं था, नहीं था। मैंने कहा परसों घर में बिल्कुल पैसा नहीं था और कल रात को मैं घर नहीं था। घर में बिल्कुल पैसा नहीं था और कल रात को मैं घर नहीं था, ये पैसा आया कहां से? बोलो साहब मेरा सवाल गलत है क्या? मगर उसने भी जो जवाब दिया था, नहीं नहीं आप अपने अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, हिंदुस्तान की हर पत्नी वही जवाब देती है, और मैं पूरे देश की पत्नियों को प्रणाम करता जो जवाब उसने दिया साहब, आप कहाँ कहाँ पैसा कमाने जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं। पत्नी बोली सुनो, जब आप घर से बाहर जाते हैं तभी तो घर में पैसे आते हैं। क्या बहुत बहुत, पत्नी बोली जब आप घर से बाहर जाते हैं तभी तो पैसे आते हैं। और आपसे कहना चाहता हूँ साहब, उसके पास कुछ नहीं है, 2-4 लाइन कविता देखिए, उसके उसके पास कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ है क्योंकि वो खुश है। वाह
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके पास कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ है, क्योंकि वो खुश है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुश नहीं है। बढ़िया बढ़िया बात है, वाह। और देखना साहब, एक एक लाइन में, जब हम सफल हुए, जीवन में आदमी का सफल होना बहुत जरूरी है, जब हम सफल हुए तो नगर सेठ भी हमसे सलाह लेने लगे। आनंद लेना कविता का, जब हम सफल हुए तो नगर सेठ भी हमसे सलाह लेने लगे, और जब हम असफल हुए तो भिखारी भी सलाह देने लगे। अच्छा अच्छा भाई, बहुत अच्छे। और सफल, हर सफल आदमी है, VIP गौरव, इतने बिजी आई लंदन कल अमेरिका। जब मेरा वक्त था मेरे पास वक्त नहीं था, जब मेरे पास वक्त था मेरा वक्त नहीं था, ये बात पूरी तरह सही है। आज मेरे पास वक्त है मगर मेरा वक्त नहीं। समारोह के लिए मैं तो अभी बहुत अच्छे विद्वान है, बेदोर से कर ली शादी, फिर हो गए तीन बच्चे, वो तो सबसे ही अच्छे। एक दिन विद्वान ने बिदुर को ऑफिस में फोन किया, बोले तुम वहां पर कागज पर कलम घसीट रहे हो, आप वहां पर कागज पर कलम घसीट रहे हैं, घर आकर के देखो, मेरे और तुम्हारे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को पीट रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। श्याम जी एक कविता और करते थे। किरायेदार ने आकर मकान मालिक से कहा, घर खराब हो गया, छत से पानी टपकता है। मकान मालिक बोला, वो तो ऐसे ही चलेगा, 1500 के किराए में पानी नहीं तो क्या कोका कोला टपकेगा। जोरदार ताली बजाओ। रोज दिन में 4 बार मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती, बच्चों से भी ज्यादा प्यार आपसे करती, अपन भी जवान में कह देते मैं भी सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, कहने में क्या जा रहा। कह देते हैं साहब, मगर अपन वास्तव में सच्चा प्यार करते पत्नी से, मैं सिद्ध करता हूं, पत्नी अपने से सच्चा प्यार नहीं करती, ये भी सिद्ध करूंगा। देखो जैसे मैं यहां पर आया तो कल शाम को अड़ोस पड़ोस के 4 लोगों को बता के आया कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं बंबई, जरा ख्याल रखना भाभी का, क्योंकि मैं प्यार करता हूं तो परवाह करता हूं। और एक उदाहरण, और अपन सच्चा प्यार करते हैं, जिससे प्यार करते हैं अपने को उसके हर साथ वाला अच्छा लगता है, अपन पत्नी से सच्चा प्यार करते हैं उनकी हर सहेली अपने को अच्छी लगती है। और विमला का तो जवाब ही नहीं, क्या कहने, और कमला तो गजब ये, और वो अपने से सच्चा प्यार का दावा करती मगर हमेशा ये बोलेगी, वो तुम्हारे कांवड़िया जी, कांवड़ा जी, अरे बोले वो तो आड़े तिरछे से मेरे को ही देखते। अभी अपने किसी दोस्त की तारीफ नहीं करेंगे साहब। आज पुरोहित जी हमारे बीच आ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ हम स्वागत करें। आइए दोस्तों, सच्चे प्यार को बोल के आया 3-4 को कि जरा मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं अकेली। और जब वो मायके जाती है तो काम वाली को भी बुलाती, इधर आ इधर आ इधर, बोले मैं 8 दिन के लिए जा रही हूं, तू बिल्कुल मत आना, साहब अकेले हैं। अब ये प्यार हुआ क्या साहब, बताइए आप। अगर वो सही प्यार करती है तो मीरा भयंदर महानगर पालिका के अंतर्गत जितना एरिया आता है उस एरिए में सबसे सुंदर काम वाली 2-3 ढूंढे क्या भाई, और उनको घर बुलाए और समझाए कि मैं मायके जा रही हूं, जब तक मैं ना आऊं
साहब का अच्छी तरह ख्याल रखना जैसा मैं रखती हूँ, तब हम माने कि वो अपने से प्यार करती। ऐसे अकेले छोड़ के चले जाए और साहब इसलिए मेरी शादी को 35 साल हो गए, 35 ईयर, हिंदी में 35 साल। आपके बच्चे वगैरह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बुला के बोलना बेटा हिंदी में 35 तक गिनती बता। वो हिंदी में 35 तक गिन नहीं सकता और मैं 35 साल हिंदी में पत्नी के साथ रहा। शादी को 35 साल हो गए साहब, ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। और फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। गई भी क्यों बोलूं, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। यहाँ पर आए तो वो गौरव बोले अंकल जी बहुत बढ़िया एयर कंडीशन धर्मशाला है, उसमें रुक जाओ। मैंने कहा नहीं रुकूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा धर्मशाला फीमेल है। बोले फिर कहाँ रुकोगे? मैंने कहा गेस्ट हाउस में। बोले क्यों? मैंने कहा गेस्ट हाउस मेल। वाह। कार भेजी? बोले कार में आ जाओ। मैंने कहा नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा कार फीमेल है। बोले फिर कार से आओगे? मैंने कहा ऑटो से। बोले क्यों? मैंने कहा ऑटो मेल। ऑटो वाला आया, ऑटो वाला आया, बोले सर आप कहाँ के हैं? मैंने कहा बेटा शादी को 35 साल हो गए, कहीं का नहीं रहा। भाई जोरदार बजाओ यार। बहुत अच्छे, क्या बात है, बढ़िया राजू, बहुत अच्छे। शादी को कहीं का नहीं रहा साहब। क्या हुआ, 2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया, बोला राजेंद्र मालवे मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया भाई साहब लेडीज फर्स्ट। उसे देखकर यमदूत घबरा गया, बोला और इसे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूं। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 35 साल से गुजारा कर रहा हूं। बोले तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत, तू यहीं मर। वो अपन यहीं पड़े हुए भावनाओं में बह जाते, जाने क्या क्या कह जाते, बाद में समझ में आता मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। एक दिन क्या हुआ, मैं घर में ही भावुक हो गया। मैंने पत्नी से कहा सुनो, वो बोली क्या? मैंने कहा इधर आ। बोली क्या बात है? मैंने कहा देखो मैं कवि हूँ, तुम्हें मेरी कविता हो, तुम्हें मेरी कल्पना हो, तुम्हें मेरी प्रेरणा हो, तुम्हें मेरी साधना हो और तुम्हें मेरी आराधना हो। इतनी बात सुन के वो भी भावुक हो गई। बोली सुनो, मैंने कहा क्या? बोली तुम्हें मेरे महेश हो, तुम्हें मेरे रमेश हो, तुम्हें मेरे दिनेश हो और तुम्हें नासिक वाले उमेश हो। और अब क्या है, नासिक में उसका मायका, अब हम समझ गए मामला क्या है। उस दिन से फीमेल शब्द से नफरत हो गया। अब तो बाजार में जाता हूं नाश्ता करने, बाजार में नाश्ता करने जाता हूं, दुकानदार को 20 रुपए देता हूं और उससे कहता हूं 2 कचौड़ा दे दे। दुकानदार कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता हूं तू जलेबा दे दे। दुकानदार कहता साहब जलेबा नहीं जलेबी है, गरम गरम है, मीठी है, रस भरी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा जलेबी और फीमेल में बड़ी सिमिलरिटी। अरे बोले काहे की सिमिलरिटी साहब, गरम गरम है, मीठी है, रस भरी है, खाते क्यों नहीं? और मैंने कहा बड़ी सिमिलरिटी है। बोले काहे की सिमिलरिटी साहब? और सिमिलरिटी का आनंद लेना साहब दिल से जरा। मैंने कहा देख रे, पहली सिमिलरिटी तो तू ही बता रहा कि ये गरम है। और दूसरी सिमिलरिटी तू बता रहा कि ये मीठी है। और तीसरी सिमिलरिटी भी तू ही बता रहा कि रस भरी है। और चौथी सिमिलरिटी मैं बता दूं तो आनंद लेना था। अब मैंने कहा चौथी सिमिलरिटी ये कि कितनी भी कोशिश कर लो फीमेल और जलेबी कभी सीधी नहीं हो सकती साहब। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया, सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया, दुकानदार से पूछा मेथा का भाजा है क्या? दुकानदार बोला साहब मेथा का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है।
अच्छा मैंने कहा ये बता ये गोभा क्या भाव दिया। बोले साहब गोभा नहीं गोभी है। अच्छा मैंने कहा गोभा को मार गोला भिंडा दे दे और मैं टिंडा ले आया साहब। क्या बात। हाँ वो कोशिश करते तो वो कोशिश करते सुभाष जी यार ये महिला का नाम ले मगर मैं लेता नहीं। मैंने कहा माए बता है जी। बोले पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री का नाम जानते हो ना। मैंने कहा अंबा का सोना। बोले फालतू बात छोड़ो ये बताओ कांग्रेस पार्टा को एक सूत्र में किसने बांधा। मैंने कहा सोना या गांधा। बोले ये बताओ कौन है पद्मावत के जीवन पर फिल्म बनाने वाला। मैंने कहा संजय लाला भंसाला। और मामला समझ में आया हो तो ढंग से ताला बजाओ। क्या बात है क्या बात। राजेंद्र मालवीय।